आज जोड़ी है जो दोबारा पर्दे पर लेकर आ रहे हैं अच्छा लग रहा है वापस धीरेन्द्र जी ने याद किया जैसे कि अभी पवन जी ने कहा कि हम एक स्टेज पे काम करते हैं तो दूसरी बार हमें स्टेज पे बुलाया जाता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है तो डेफिनेटली सौभाग्य की बात है कि हमारा काम पसंद किया गया है और वापस धीरेन्द्र जी ने एक फिल्म दोबारा से लॉन्च की है और पहली फिल्म में क्योंकि बहुत मज़ा आया पवन जी के साथ फिल्म कभी ख़त्म हो गई पूरे प्रोडक्शन में मतलब सेट पे तो पता ही नहीं चला था आखिरी दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे आप वहीं थे तो कितना फन हम लोग कर रहे थे और दुख हो रहा था कि फिल्म का अंतिम दिन है लेकिन धीरेन्द्र जी ने आई थिंक वो दुख को सुख में बदल दिया है वो दोबारा से एक फिल्म को लेकर आ रहे हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं पवन जी के साथ वापस काम करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे तो फेवरेट एक्टर हैं वो तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ प्रोडक्शन नंबर टू तो सुना था लेकिन प्रोडक्शन नंबर थ्री मतलब इतना बिजी है तो भी जी फिल्म का नाम भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपको मैं बता दूं टाइटल जो है फिल्म का आधार होता है और टाइटल एक हिट टाइटल ही फिल्म एक के ऊपर डिपेंड करता है तो कि कोई ऐसे टाइटल रखने से अच्छा कि वेट करें और एक अच्छा टाइटल निकल के आए और हमारी ऑडियंस को वो टाइटल पसंद आए हम एक अच्छे टाइटल के शायद मुझे लगता है धीरेन्द्र जी इंतजार में होंगे कि उन्होंने अभी तक टाइटल रखा नहीं बहुत जल्दी पैसा बोलता है मार्केट में आएगी मुझे टाइटल मिल गया है हिंदी में और हमारा अंदाज है कि बहुत जल्दी उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी स्टोरी पे काम काफी हो चुका है और हिंदी ही उद्देश्य और पवन जी भी शायद उधर की तरफ भी जाएंगे अनारा जी भी जाएंगे सभी टीम जाएगी कुंदन जी भी जाएंगे सभी लोग जाएंगे पवन जी क्या कहना चाहेंगे आप हिंदी की अगर बात करेंगे देखिए हमने के भोजपुरी में कहा जाला कि समय पर कोनो चीज शोभा देला जब जौने चीज के समय आई वो काम एकदम दिल से हुई और बहुत अच्छे से हुई और दुनिया में कोई भी आदमी यही चाहता है कि हम हर रोज आगे बढ़ें हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है और सीखने को मिलता है और प्रोडक्शन नंबर थ्री में जौन धीरेन्द्र चौबे जी फिल्म के आज मुहूर्त कहनी है कि जौन बैनर लगल बा लुक जौन बा नहले पे दहला और प्रोडक्शन नंबर थ्री में जौन फिल्म बना था जौने फिल्म का मुहूर्त भैला ओकर टाइटल हो सकेला कि ये रही दिल है दुपट्टा में बहुत बढ़िया गोविंद जी ने अनाउंस कर दिया है उम्मीद पूरी यही लेकिन मैं नहीं कहना चाहता था अभी लेकिन पवन जी ने कह दिया तो उम्मीद यही है खुलासा अगर हो गया है तो दिल है जब मुहूर्त हो गया तो टाइटल क्या छुपाना है और रोमांटिक रोमांस के लिए हीरो किस हद तक जाता है जा सकता है इस स्टोरी में यही दिखाया जाएगा बाकी हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर जो अरविंद चौबे जी हैं वो लोग वो भी आपसे कुछ बातें करेंगे जरा उनको बुलाया जाए बोलिए बोलिए आज तो बोलना पड़ेगा क्या बोलना है हीरो को आशीर्वाद तो दीजिए रोमांटिक हो गई सही बात रोमांटिक है चलिए कैमरे के सामने शर्माते हैं ये पर्दे के पीछे के हीरो है ये पर्दे के पीछे हम लोगों को बताते हैं कि बाबू आपको क्या करना है कैसे करना है उस चीज को हम लोग पर्दे पे करते हैं तो बहुत अच्छे इंसान है अंदर के जैसे ऊपर से हैं वैसे अंदर से भी हैं बहुत अच्छा बहुत काफी एजेंट प्रोड्यूसर काफी कोऑपरेट करते हैं देखिए जब पिक्चर बनाई जाती है तो डायरेक्टर और हीरो का योगदान होता है प्रोड्यूसर का कोई खेल नहीं होता है प्रोड्यूसर तो एक फाइनेंसर होता है डायरेक्टर अच्छा होगा हीरो अच्छा होगा पिक्चर अच्छी बनेगी सर क्या है ना जी आप जैसे लोग बहुत भाग्य से मिलते हैं नहीं ये सब माता की कृपा है और आप जैसे लोग भी बहुत भाग्य से मिलते हैं उनकी कृपा से तो हम सब हैं ऐसा नहीं है कि किसी एक का भाग्य होता है फिर भी सब है इंसान एक जरिया होता है और मिलाया है तो अच्छी भैया के प्रोडक्शन में काम करके बहुत अच्छा लगता है हमेशा काम करेंगे जीवन भर करेंगे और भैया के डायरेक्शन में ये हमारे लकी डायरेक्टर है ये हमारे लकी डायरेक्टर है जब जब हमने के काम करी ले जाना तो अभी जैसे देखिए हुकूमत फिल्म हमने के रिलीज भइल बा जौने फिल्म के गाना एकदम मार्केट में छा गई बा हमार भैया चाचा लोग खूब सुनत लोग गाना के दी कलाकार की ऐसे बड़ा धन और का हो सकेला जय माता दी जय माता जय भाई बाद में करना मीडिया जाने के बाद ये सब चीज़
थोड़ा पीछे आना, पीछे आना, यही तो बिहार है। पीछे माइक मत गिरा देना। और सर बाबा आपका हाथ ब्लिंक होता है थोड़ा सा। थैंक यू। अच्छा लगता है इनके साथ काम करके, बहुत पुराना एसोसिएशन है। थोड़ा गंगा किनारे वाला भी कैसा स्कूल उसके साथ, तो बढ़िया है। अभी तो फिलहाल आज पूजा है, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं अभी ये सब डिसाइडेड नहीं है। मैं विलेन हूँ तो विलेन ही रहूँगा, तो अभी कैरेक्टर के बारे में कुछ डिसाइडेड नहीं है। अभी तो गर्भ में बच्चा है, देखते हैं धीरे धीरे बाहर निकलता है तो क्या रूप लेता है, पर जो भी है अच्छा ही रूप लेगा। एक फिल्म के लिए देखिए, हमारे ये पूरा शरीर पूरी काया सिनेमा के लिए है, तो सिनेमा के हिसाब से करना पड़ता है। एक फिल्म अभी कर रहा था, उसमें पाकिस्तानी बना हूँ मैं, पाकिस्तानी आतंकवादी, तो उसके लिए थोड़ा क्लीन सेट किया था, तो लुक चेंज करना पड़ा उसके लिए। मुस्लिम कैरेक्टर बड़ा बहुत अच्छा मज़ेदार रमाकांत प्रसाद की फिल्म थी, तो बड़ा अच्छा लगा उसमें काम करके, इसलिए लुक चेंज किया। फिर अभी लुक चेंज करने जा रहा हूँ सर मुंडाओं का नेक्स्ट फिल्म के लिए, तो हम लोग थोड़ा कैमरे के